गुड मॉर्निंग। आज रांची का डे टू जर्नी है, तो पहले जाएंगे हुडू फॉल्स और उसके बाद जाएंगे पतरातु वैली, पतरातु फॉल्स। तो चलो हम आते हैं हुडू फॉल्स से। और चलिए इस सफर में जुड़े रहिए। कल सीताफल तो नहीं घूम पाए, सीताफॉल्स क्योंकि बारिश काफ़ी हो रही थी और टाइम भी हो गया था। और फिर से सिकंदर जी हमारे साथ हैं। सिकंदर जी ने काफ़ी कोशिश की थी सीताफॉल्स में एंट्री करने के लिए, पर टाइम 4 बजे ख़त्म हो गया था, हम पहुँचे 5:30 बजे, इसीलिए नहीं हो पाया। चलिए आज अगर ट्राई करेंगे एक बार, अगर होता है तो कर लेंगे, नहीं तो फिर कभी आना तो पड़ेगा ही फिर से रांची में। काफ़ी कुछ है यहाँ पे देखने के लिए, तो तभी देख लेंगे। ये एंट्री करके यहाँ से सीढ़ियाँ स्टार्ट होता है हुडू फॉल्स का। काफ़ी सारा सीढ़ियाँ है, तो आहिस्ता आहिस्ते जाना ही बेटर रहेगा, काफ़ी नीचे जाना पड़ेगा। तो काफ़ी सारे स्टेयर्स हैं, करीबन 15 मिनट हाफ आ गए और गिने नहीं कितना स्टेयर्स है। जब चढ़ेंगे तब गिनेंगे कितना स्टेयर्स उतर के जा रहे हैं। काफ़ी नीचे में है हुडू फॉल्स और इसका हाइट भी रांची में जो सारा फॉल्स है वो फॉल्स में से ये फॉल्स का हाइट मतलब ऊंचाई से गिर रहा है, वो काफ़ी ऊंचाई से गिर रहा है। तो अभी तो रेनी सीजन ही है, अच्छा ही होगा। उतरने वक्त तो कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं, अब चढ़ने वक्त प्रॉब्लम होगा। तो ये हुडू फॉल्स है, एकदम सफेद पानी। और ये फ्लो है जो शांति से आगे जा रहा है। बीस मिनट में नीचे उतर गए, अब घूम के ऊपर जाएंगे और स्टेयर्स काउंट करेंगे कि कितना स्टेयर्स नीचे में आए। हुडू फॉल्स के और थोड़े करीब थोड़ा नीचे में आ गए, एकदम अलग ही एक्सपीरियंस हो रहा है। पानी हल्का हल्का, पानी का मॉइस्चर फील हो रहा है, पानी सामने में आ रहा है और इधर आराम से बैठ के कुछ समय बिताने का मन कर रहा है, तो वही करेंगे अभी। वो ऊपर वाला से पत्थर से स्लिप करते 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 इधर आ गए और ये शांत पानी एकदम ऊपर से ताबड़तोड़ गिरते हुए नीचे से शांत होके एकदम जा रहा है। Thank you.
यहाँ से हुडू फॉल्स नीचे को जा रहा है तो ये ऊपर में आए, और वो फ्लाईओवर से हम लोग क्रॉस करके हुडू फॉल्स आए थे। और मैंने काउंट किया है टोटल 754 सीढ़ियाँ है, 754 सीढ़ियाँ चढ़ के हम हुडू फॉल्स नीचे से ऊपर में आए, एकदम एग्जैक्टली मैंने आज स्टेप काउंट किया है। ये वैली का व्यू है और ये जो वाटरफॉल्स नीचे को जा रहा है। ये रास्ते से हम पतरातु वाटरफॉल जा रहे और इस किस्म का रास्ता बना हुआ है, एकदम सामने तक गाड़ी चली जाती है। वो सामने में नजर आ रहा है वो है पतरातु फॉल्स, तो हमें वहाँ जाना है। और इस किस्म का रास्ता बनाया हुआ है, थोड़ी देर पहले बारिश हुआ, हम लोग आइसक्रीम खाया बारिश में, फिर जाता है। ये जंगलों के बीच ये वाटरफॉल्स, और इस वाटरफॉल्स का नाम है पतरातु वाटरफॉल्स। बहुत ही नेचुरल वाटरफॉल्स हैं। एकदम जंगलों के बीच ये रांची से करीबन 75 किलोमीटर दूर है, करीबन 2 घंटा लगेगा आपको रांची से इधर आने में। और अब इसके बाहर जाएंगे पतरातु वैली, वो करीबन 6-7 किलोमीटर पीछे छोड़ के आए आने वक्त, और वहीं है पतरातु डैम, काफ़ी बड़ा डैम है। आने वक्त बारिश हुआ था इसलिए वीडियोग्राफी नहीं कर पाए। ठीक ऐसा ही वाटरफॉल्स मैंने उड़ीसा में केवनझार डिस्ट्रिक्ट में देखा था, उसका नाम था बन झाकड़ी फॉल्स। और एक फॉल्स था उड़ीसा में, वो झिकरा फॉल्स था। झिकरा फॉल्स और बनझाकड़ी फॉल्स, ठीक ऐसे जंगलों के बीच से जाना पड़ता है उस फॉल्स के लिए। तो अभी हम पतरातु डैम की तरफ जा रहे हैं, तो पहुंच गए, गाड़ी पीछे में खड़ा है,
और कुछ 5 मिनट पैदल जाना पड़ेगा। और आपके पीछे में पत्थर नीचे से भी नज़र आता है, ऊपर से भी, तो दोनों तरफ से ही जाएंगे। तो सामने में हनुमान मंदिर, तो ये डैम है, उस साइड वाटर को स्टोर करके आहिस्ते आहिस्ते छोड़ा जा रहा है। थोड़ी 100 मीटर की ऐसी खड़ी चढ़ाई है डैम में, जहाँ पे वाटर रोक के रखते हैं वहाँ पे, और वो नीचे से हम चढ़ के आए, ज़्यादा नहीं 100 मीटर है। मतलब एकदम भरपूर ग्रीनरी है, कहीं भी ग्रीन के अलावा कुछ नहीं है। ये पतरातू डैम है, दूर दूर तक फैला हुआ। यहाँ बोटिंग भी होती है, बोट कितना दूर ले जाएगा भैया? वो बिल्डिंग उतना दूर?